Today we are at Art Heritage Village, which is known as Raghurajpur. This is a beautiful heritage village where you have more than 2 lakhs of artisans. This is depicting the culture and tradition and art of Odisha. And I will take you through a beautiful way of preparing canvas in their very traditional way. And also the natural colors which they use in their various painting process, which is very intricate and very intense. So here we have Dilipji, who will be explaining us Namaste. What are the natural colors and how a story is created, how a journey is created, starting from Lord Jagannath to all the history and tradition of our India. You can see it's beautifully done over here in various forms and various cultures. So I would say one must visit to Raghurajpur. All my artist friends, those who love art and also the art enthusiasts. So right now we have Dilipji. ये जगन्नाथ मंदिर का साथ ये जुड़ा हुआ है इसलिए एक स्नान पूर्णिमा आता है, एक साल में स्नान पूर्णिमा आता है। स्नान पूर्णिमा में एक मंदिर में स्नान मंडप है, स्नान मंडप में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा स्नान मंडप जो आस्थान में है वो प्रभु बैठेगा। बैठने के बाद क्या होगा, एक मंदिर में कुआ है, वो जो कुआ है कभी पानी यूज नहीं होता है, एक साल में एक बार यूज होता है। ये कब होता है, स्नान पूर्णिमा का दिन वही कुआ से पानी आके जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये स्नान करेगा। स्नान करने के बाद क्या होगा, तो गजानन वेश धारण करेगा। धारण करने के बाद क्या होगा, उनको बुखार आएगा। जब बुखार आएगा वो चला जाएगा अनौसर घर में चला जाएगा। अनौसर घर जाने के बाद क्या होगा, रत्न सिंहासन तो खाली नहीं होगा, वही रत्न सिंहासन मध्य क्या होगा, पटचित्र मध्य जगन्नाथ का स्थान में श्री नारायण देव और बलभद्र का स्थान अनंत वासुदेव और सुभद्र का स्थान में माता भुवनेश्वर। वही तीनों जो भगवान पटचित्र बना हुआ है, तीनों अलग अलग पटचित्र बनेंगे तो अपना सिंहासन फिक्स होगा। जो आएगा उसको ही 15 दिन दर्शन करेगा, अभी जो दर्शन करेगा विग्रह उसको 15 दिन और बाकी जो 15 दिन वो पटचित्र में दर्शन करेगा। तो यह पटचित्र का विशेषता। तो दिलीप जी, इस तरह से शुरू होता है पटचित्र का पूरा कहानी कि भगवान नहाने जाते हैं, तब उनको बुखार आता है, फिर जो आज हम लोग बोल रहे क्वारंटाइन में चले जाते हैं प्रभु, अब दर्शनार्थी किस तरह से दर्शन करेंगे, तो पटचित्र बनता है। पटचित्र बन के प्रभु के आसन में बैठते हैं और हम दर्शनार्थी आके प्रभु की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। Thank you.
देखिए दिलीप जी, थोड़ा कोशिश किया हमने, बहुत अच्छा किया मेरा, पता नहीं थोड़ा सा अपना जैसा नहीं फॉर्म में। Oh, I just tried something very small. Thank you. मैडम पूरा तो पटाचेरा प्रोसेस में आपको पूरा बता दिया। हाँ। अब ये कि पाम लीफ इंग्रेविंग का आर्ट वर्क आपने देखा था। हाँ। ठीक है। ये ब्रश आप लोग नेचुरल ब्रश यूज करते हैं? ये मार्केट से खरीदा हुआ। अच्छा। पहले जो मैडम ब्रश था, जो दांत घिसते हैं ना, लकड़ी, लकड़ी का ब्रश, मोटा मोटा कलर, और जो बारीक वाला काम है चूहा का बाल से बना रहा है। हाँ, ये चूहा का बाल बैन हो गया इसीलिए, और एनिमल्स के, हाँ इसीलिए बैन हो, उन्हें अब इसे मार्केट में रेडीमेड ब्रश बना रहा है। बहुत टाइप का है, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये तालपत्र, तालपत्र अच्छा, तो ये है तालपत्र में पटचित्र बनेगा। नहीं पटचित्र नहीं, ये तालपत्र खुदा इसको बोलते हैं। अच्छा, ताल पाम लीफ इंग्रेविंग उसको पटचित्र बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द पाम लीफ इंग्रेविंग। ओके, ये कैसे होता है मैडम? पाम लीफ जो है ना, एक पत्ता है, ताड़ का पत्ता है, उसको क्या करना पड़ेगा, जो साइज हमको चाहिए, मिनिमम 6 इंच का चौड़ा चाहिए, 8 इंच का चौड़ा चाहिए, ये 13 इंच का चौड़ा चाहिए, हम लोग कटिंग कर देगा। अच्छा। कटिंग करके उसको क्या करें, एक इतना करे काटे, बांध देगा, रस्सी बांध देगा। एक बर्तन, बड़ा वाला बर्तन है ना, बर्तन जो नीम का पत्ता डाल देगा, टर्मर का पाउडर डाल देगा, डाल को पत्ता, पानी और पत्ता सब डाल के उसको बॉयल करेगा। बॉयल करने से क्या होता है, उसका अंदर जो कड़क कंसन है उसका अंदर में घुस जाए, किसका, पत्ता के अंदर घुस जाए। घुसने के बाद ये जो पत्ता को प्रोटेक्शन मिल गया, जो कीड़ा लगने के लिए जो चांसेस है, कीड़ा उसको नहीं लगेगा। वो पत्ता का प्रोसीजर हो गया, उसको क्या करेगा, हमें डिवाइडर लेके क्या करेगा, पत्ता को क्या करेगा, पत्ता तो टेढ़ा मेढ़ा आता है, हम डिवाइडर लेके आए तो उसको इतना साइज का चाहिए ना हमको पत्ता, उसको थोड़ा दाग दे देगा। ठीक है, डाल तो ब्लेड में उसको कटिंग करेगा, दोनों धार में कटिंग करेगा, वो पत्ता साइज में आ गया, आके उसको सिलाई करेगा। एक एक पत्ता को सिलाई करना पड़ेगा, सूती से जो सुई से सिलाई करेगा, एक एक सिलाई करेगा, जितना साइज चाहिए ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिलाई होगा, सिलाई होने के बाद क्या होगा, उसको काम होगा। वो कैसे होता है काम, पेंसिल से भी आ जाता है, तो पेंसिल में स्केच हो गया, उसके बाद क्या होगा, लीडिल से, अच्छा ये नीडल से इंग्रेविंग कर रहे हैं। अच्छा,
ये हो गया, इंद्रधनुष हो गया। उसके बाद क्या करेगा, हम जो कलर डालेगा इसमें काला रंग क्या है, ये लाल कलर है लाल भी आ जाएगा, अच्छा। ग्रीन देगा तो ग्रीन आ जाएगा, मर्द कलर है मर्द कलर भी आ जाएगा। अच्छा, उसको जस्ट आप ऐसा कर देते, अरे वाह, वो नेचुरली पूरा कलर आ गया। उसको पानी में भी धो सकते हैं उसको। वो कलर खींच लेता है। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ दीजिए, पेंसिल से करें? हाँ लीजिए, आप क्योंकि डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है एंग्रेविंग करने में। असल चीज है एंग्रेविंग, उसमें इस तरह से कलर पकड़ेगा तो पूरा इसको मिडिल वर्क ही मेन हो जाएगा। What a nice feeling. अच्छा, तो ये फिर और थोड़ा सा डार्क होगा, क्लियर जो ना, हाँ थोड़ा और इसको डार्क करेंगे। चलिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की है ये तो एक दिन में नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा आके करने में, आपके हिसाब से सीखना पड़ेगा। वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू, व्हाट अ लवली एक्सपीरियंस। ये चला गया पाम लिप इंजेक्शन, चल गया पटा चित्र, उसके ताल पत्र खत्म। उसके बाद क्या है, टसर पेंटिंग, पटा टसर पेंटिंग, पटा चित्र टसर पेंटिंग सेम प्रोसीजर है, कुछ अलग कुछ नहीं, अलग क्या है वो मेटेरियल और कुछ नहीं। उसको क्या करेगा, प्लाईवुड में हम जो बच्चे लोग जो सागु खाते हैं ना, सागु, सागु को बॉयल करके उसको कपड़ा को पानी में सागुदाने में भिगो देगा, भिगोगे प्लाईवुड में खींच के थोड़ा टांग के, थोड़ा ये नहीं रहेगा गम गम टाइप, ऐसे ऐसे जो कपड़ा जो नहीं जाता ना ऐसे नहीं रहेगा, पूरा एकदम खींचेगा खींचेगा, फिर पूरा प्लेन हो जाएगा। उसका सूखने में तो पेंसिल में ड्रॉ को बनाएगा, सेम पटाचे टसर सेम प्रोसीजर, फर्क है ये ए से जेड तक नेचुरल, और ये थोड़ा सा मार्केट से खरीदा हुआ कपड़ा से। ये हो गया टसर पेंटिंग, पटा चित्र टसर पेंटिंग, पामली चला गया है, और है काउडंग टॉयज। हाँ, काउडंग टॉयज का जो प्रोसेस हम देखे हैं, सुने भी हैं प्रोसेस में अच्छे से। और ये पेपर मास्क से बनता है, पेपर मास्क कैसे बताए पता है आपको, पेपर मास्क? हाँ नहीं क्या बताइए, पेपर मास्क को क्या करना पड़ेगा, एक मिट्टी का छांच बनाना पड़ेगा। सपोज ये मिट्टी का, अच्छा ये जो मास्क बनाया है। हाँ, ओके ओके, अच्छा छांच बन के पीछे, ये एक बार हम बनाए थे, ये हमको समझ नहीं, पेपर डाल के फिर गम डाल के
टाइट करके उसके बाद फिर पेंटिंग किया गया। सपोज ये मिट्टी का छांच है इस टाइप का, हम लोग क्या करेगा कपड़े को कागज को ऐसा आठा लगा के उसको चिपका देगा, बार बार मिनिमम 30-40 बार चिपकाएगा, चिपकने के बाद ये हार्ड हो जाएगा, उसको निकालेगा, निकालने के बाद सूखेगा, सूखने के बाद काउडोंग का मॉट और मिट्टी दोनों मिक्स करके उसको कोटिंग देना पड़ेगा, कोटिंग दे के कोटिंग होगा, कोटिंग देने के बाद फिर उसको बार कागज चिपकाएगा, चिपकाने के बाद हमारा जो स्टोन पाउडर है उसको कोटिंग डाला, कोटिंग डालेंगे उसके बाद पेंटिंग होगा। ये पेपर मास्क का प्रोसीजर है। और ये काउडोंग टॉयज आप जो लिखेगा थोड़ा सबको ये करेगा, थोड़ा लिखेगा आप जो हम जो आपको बताया हमारा आर्ट का बारे में, आप जो अनुभूति किया है इसमें थोड़ा सोशल मीडिया में थोड़ा लिखेगा, हमारा प्रचार प्रसार होगा, हमको भी ज़्यादा इसमें ही खुशी मिलेगा। ये एक तो एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आज आपसे मिली और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और ये अतुलनीय है, ये जो अनुभव है ये जो अनुभूति है ये अतुलनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु महाप्रभु। Okay. So today I'm going to do a little bit of Padchitra art. And I just learned from Dilipji. So he made a beautiful girl. Let me try my hands out of it. Not that. See how Unity has done this. फल तो है, वो फल का नाम है उड़िया बोलते हैं कोई तो, हिंदी में बोलते हैं कबीट बोलते हैं, कबीट। उसका पेट को छेद करना पड़ेगा, छेद करने के बाद वो रस निकलेगा, वही रस हमें कलर में मिलाएगा। अच्छा, तो ये गम का काम करता है, ये गम का काम करता है। उसको क्या करें, पानी में भिगा देने के बाद वो पिघल मैंने पिघल ये हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ये देखिए उसका लिक्विड, ठीक है, वो कलर में मिलाएगा। तो ये अभी आपका बन गया पूरा प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर बन गया। A form of art which is known as Patachitra, and now we'll understand some of the colors which is used over here. Very natural colors made out of natural ingredients which is found in nature. So white color is used out of the shell, and orangish and the earth color is also used out of a stone. And the yellow, bright yellow, is also again a very bright stone. And we can see this earthen color, they call it urapel. So this is used to make this brownish color or earthen color. And vibrant blue is used out of a blue stone. Yeah, that's a very nice blue, or midnight blue, or royal blue, which is used. And this black color is used of a very natural fruit, which is like used in various purposes. Out of mixing of this color, you get this beautiful picture that tells the story of Indian history and depicts many journey of art and artists' emotions and motives behind this whole process. So here it is, which is called as Patachitra of Odisha, India. Thank you. Madam, उसको बोलते हैं पटचित्र पेंटिंग बोलते हैं।
पटचित्र मीन्स क्या होता है उसको बोलते हैं पट, जब चित्र हो जाते हैं पटचित्र। पट मीन्स क्या होता है, ये हाथ का बना हुआ कैनवास, ये कोई मार्केट से नहीं मिलता है, हम खुद उसको तैयारी करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं, इमली का बीज और व्हाइट स्टोन और कॉटन साड़ी, 1 2 3 कॉटन साड़ी, तीनों चीज को मिला के वो कैनवास बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इमली का बीज को हम पानी में भिगाएगा, ये स्मूथ नहीं होता है। क्यों स्मूथ होता है, उसका जो शाइनिंग कोटिंग है उसको पानी टॉस नहीं करता है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेस करके उसको टुकड़ा करना पड़ेगा। अच्छा। टुकड़ा करने के बाद उसको एक दिन फैन में लगाना, एक दिन क्या करेगा पानी में डाल के रखना पड़ता है। डाल के पानी में डालने के बाद ये स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ होने के बाद क्या करेगा, सिलबटा जानते हैं ना, सिलबटा, सिलबटा उसको पीसना है। पीसने के बाद ये पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बनने के बाद उसको पानी डाल के उसको बॉयल करना पड़ता है। बॉयल करने से क्या होता है, ये गोंद बन जाता है, मतलब आटा बन जाता है। उसको वो आटा को क्या करेगा, छत का ऊपर है ना, छत का ऊपर आप जानते हैं चटाई, जानते हैं जो मोटा मोटा चटाई, बेलुआ मशीन उसको बोलते हैं, इस टाइप का चटाई। अभी तो छत बन गया, पहले हम क्या करते हैं, रास्ते में चटाई बिछा के उसका ऊपर सूती का साड़ी बिछा देगा। सूती का साड़ी बिछाने के बाद क्या करेगा, उसका चारों तरफ जो घर बना ईटा है ना, उसको ईटा भी लगा देते हैं। ईटा ईटा लगा के क्या करेगा, चटाई के ऊपर ऐसे ऐसे इमली का आटा लगाएगा। किसको, सूती का साड़ी का ऊपर इमली का आटा लगाएगा। लगाने के बाद ये चटाई के ऊपर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लगाएगा, ईटा रखते रखते जाएगा, ऐसे ऐसे चारों तरफ आटा लगाएगा। पहले चारों तरफ सूती का साड़ी का ऊपर पहले चारों तरफ खींच का आटा लगाएगा, पूरा खींचना हल्का नहीं होगा, खींचना हल्का हो जाएगा तो उसका जो बेस है ना, ऊपर नीचे हो जाएगा।